भाग छः। रईस रहना। आप सब शाहरुख खान को तो जानते ही होंगे, कैसे दिल्ली का एक मामूली सा लड़का बॉलीवुड का बादशाह बन गया, कैसे उसने कुछ ना होकर भी सब कुछ पा लिया। इसे हम अमीर होना कह सकते हैं, लेकिन अमीर होने का मतलब ये नहीं कि आप अमीर रहेंगे। आपने विजय माल्या की कहानी भी सुनी होगी, कैसे उसके पास सब कुछ था, एक अच्छा कारोबार, प्राइवेट जेट्स, आलीशान गाड़ियां, लेकिन ये सब होने के बाद भी एक समय ऐसा आया कि वो बैंकों से लिया उधार नहीं चुका पाया और उसने तय किया कि अब उसके सामने देश छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसकी देश के अंदर जायदाद को सरकार ने जब्त कर लिया और उसकी आलीशान गाड़ियां एक एक करके बेच दी। आज के टाइम पर उसे दुनिया एक गुनहगार की नजर से देखती है, जिसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। इस किस्से से हमें यह तो समझ में आ ही जाता है कि अगर आप अमीर हो जाते हैं या अमीर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अमीर रहेंगे। हमें दोनों में अंतर करना भी आना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए मॉर्गन हमें दो इन्वेस्टर्स का उदाहरण देते हैं, जैसे लिवरमोर और अब्राहम जर्मेंस्की। वो बताते हैं कि कैसे अब्राहम ने रियल इस्टेट और स्टॉक मार्केट से खूब दौलत कमाई और वो हमें काल के उसी काले समय में ले जाते हैं जिस समय को दुनिया आज ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानती है। अब्राहम 1930 के ग्रेट डिप्रेशन में लापता हो गए और मुमकिन है कि उन्होंने अपनी जान ले ली हो। इसी तरह वो जैसे लिवरमोर के बारे में भी बताते हैं, जैसे लिवरमोर एक स्टॉक मार्केट के ट्रेडर थे और अगर उस समय की कीमतों की आज की कीमतों से तुलना करें तो उनके मुताबिक जैसे कि नेटवर्थ लगभग 100 मिलियन डॉलर के करीब निकल कर आएगी। लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि जैसे और अब्राहम की कहानी एक मोड़ पर आकर टकराती है, जहां अब्राहम ने ग्रेट डिप्रेशन में अपनी जान ले ली, वहीं जैसे लिवरमोर ने ग्रेट डिप्रेशन में अपने पैसे खोए नहीं बल्कि पैसे कमाए। इसी बात की वजह से जैसे में बहुत आत्मविश्वास आ जाता है और वो अपनी क्षमता से ज्यादा का जोखिम उठाने लगते हैं, लेकिन इसी कारण उनका अंत भी वैसे ही होता है जैसे अब्राहम का हुआ, वो भी लापता हो जाते हैं। जैसे और अब्राहम की कहानी ग्रेट डिप्रेशन से अलग दिशा में जरूर जाती है, परंतु एक ही तरह खत्म होती जाती है। दोनों कहानियों से हमें पता चलता है कि पैसे कमाना और अमीर होने का मतलब ये नहीं कि आप अमीर ही रहेंगे। मॉर्गन कहते हैं कि सफल होने का एक राज है जीवित रहना। अगर आप खेल में जीवित रहेंगे तभी आपके पास खेल को जीतने का मौका होगा। अगर आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं तो मैच को जीतने के लिए सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप आउट नहीं हो पाए, तभी आप आवश्यक रन बना पाएंगे। इसी तरह मॉर्गन फाइनेंस की दुनिया में सिकोया कैपिटल का उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उस कंपनी के प्रधान ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी कंपनी की कामयाबी का रहस्य उनका लंबे समय तक जीवित रहना है। यहां मॉर्गन इस विषय को एक पिछले समझाए हुए विषय से जोड़ देते हैं। याद है पिछले अध्याय में उन्होंने समझाया था कि लंबे समय तक एक अच्छी रकम जोड़ी जाए तो कैसे एक आश्चर्यचकित करने वाली राशि हमें प्राप्त हो सकती है। लेकिन लंबे समय तक रकम जोड़ने के लिए वो कहते हैं हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम इस खेल में जीवित रहें। वो कहते हैं कि जहां एक तरफ पैसे कमाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, अपने आप पर भरोसा रखना पड़ता है, वहीं पैसों को संभालने के लिए उसके विपरीत करना पड़ता है। उनके मुताबिक अगर आपको अमीर बने रहना है तो आपको अपने पैसों को जोखिम में नहीं डालना, सोच समझकर ही खर्च करना है। याद है कैसे अध्याय किस्मत और जोखिम में हमने सीखा था कि कैसे पैसे कमाने में किस्मत का भी एक योगदान है। उसी को ध्यान में रखते हुए मॉर्गन कहते हैं कि किस्मत हमारा साथ बार बार दे ये जरूरी नहीं,
इसीलिए हमें अपने मन को ये बताना पड़ेगा कि जितने पैसे हमने कमाए हैं उतने पैसे शायद हम फिर से न कमा पाए, तभी हम अपने पैसों को अच्छे से संभाल पाएंगे। उसी बर्फ वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। सोचिए अगर गर्मियों में सारी बर्फ पिघल जाती तो क्या आने वाली सर्दियों में बर्फ का निर्माण उतनी ही जल्दी होता जितना कुछ बर्फ के बचे रह जाने पर होता? नहीं, बर्फ की कुछ परतों के बचे रह जाने पर बर्फ का निर्माण होने के लिए उपजाऊ परिस्थिति पैदा हो जाती है। इसी तरह कारोबार का जीवित रहना जरूरी है ताकि आपका कारोबार आने वाले समय के हिसाब से अपने आप को ढाल ले। अगर आपका कारोबार आने वाले समय के साथ अपने आप को नहीं ढाल सके तो हो सकता है कि आप कामयाब न हो या पीछे छूट जाए। परंतु अगर आपका कारोबार ही जीवित न रहे, बंद हो जाए, तो आपके पास जो आने वाले समय में कारोबार को ढालने का मौका था वो भी आपसे छिन जाता है। इस अध्याय का अंत करते हुए मॉर्गन तीन बातों पर दृष्टि डालना जरूरी समझते हैं। पहला, कि ज्यादा पैसे कमाने से अधिक जरूरी है जीवित होकर अटूट रहना। उनके मुताबिक अगर आप अटूट हैं तो आप में कामयाब होने की क्षमता है। दूसरा बिंदु है, आपको योजना तो बनानी चाहिए परंतु इस बात की भी योजना बनानी चाहिए कि अगर जैसा आप चाहते हैं वैसा ना हुआ तो आप क्या करेंगे। तभी आप इस खेल में जीवित रह पाएंगे। इस बात का वो एक उपयुक्त उदाहरण कोरोना वायरस का देते हैं। कोरोना वायरस के समय में कई इंसानों का कारोबार बंद हो गया क्योंकि उन्होंने ऐसी किसी आपदा की कल्पना नहीं करी थी। लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता और कई बार वैसा नहीं होता जैसा हम उम्मीद करते हैं। इसी वजह से योजना सफल ना होने के ऊपर भी योजना बनाना आवश्यक हो जाता है खेल में बने रहने के लिए। तीसरी बात जो मॉर्गन कहते हैं वो ये है कि आपको लंबे समय के लिए उम्मीद रखनी होगी और कम समय के लिए थोड़ा पागल होना पड़ेगा। वो कहते हैं कि सिर्फ उम्मीद रखना काफी नहीं, हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि चाहे लंबे समय में हम आज से बेहतर जगह हो परंतु वहां तक पहुंचने का रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ ही है। इसीलिए छोटे समय में हमें थोड़ा पैसों को लेकर पागल होना जरूरी है ताकि हम सही निर्णय लें।